भाई साहब, स्टफिंग देखो कितनी चीज है इसके अंदर। और ये इन्होंने सीजनिंग ओरिगैनो डाल दिए। और ये देखो, ये इसको ये फोल्ड करेंगे। ये कर दिया इन्होंने भैया ने फोल्ड। हेलो गाइज, वेलकम टू फूड जंक्शन। तो गाइज, आज हम आए हैं पिज्जा गैलेरिया पे, जो कि लोकेटेड है आदर्श नगर के अंदर। भैया ने डो ले लिया है। और ये नीचे ये क्या है, येलो सा पाउडर? ये कॉर्न मिल है। कॉर्न मिल? हाँ। कॉर्न मिल। ये पिज्जा पे भी अपनी जितनी भी डिशेज ये बनाते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश डो लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश डो बनाते हैं ये। भैया ने बीच में से कट कर दिया इसको। गाइज, इसका जो प्राइस है 80 रुपीज प्लस टैक्सेस है। भैया ये क्या है? ये चीज ब्लेंड है। ये गाइज चीज ब्लेंड डाल दिया भैया ने। और ये क्या है भैया? ये तंदूरी सॉस है। ये भैया ने तंदूरी सॉस डाल दिया इसके ऊपर। सो गाइज, ये 11 to 11 ओपन रहता है आउटलेट, 11 से 11 बजे तक। तो आप लोग भी आके ये पनीर बिंगो, इनका पिज्ज़ा भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए कितना बढ़िया, कितने बढ़िया से इन्होंने मोज़रेला चीज़ भी इसके अंदर डाल दिया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा हट कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इनकी काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है। भैया ये क्या है? ये पनीर है। वैसे इन्होंने पनीर डाल दिया। वाइज इनको यहाँ पे 1.5 साल हो चुका है। और कितनी ब्रांचेज हैं आपकी? 65 ब्रांचेस की भाई। इनकी जो ब्रांच है 65 ब्रांचेस हैं। और ये इन्होंने सीजनिंग ओरिगैनो डाल दिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। देखिए इसके कितने बढ़िया कलर्स आ जाएंगे, देखना आप। और ये देखो, ये इसको ये फोल्ड करेंगे। ये कर दिया इन्होंने भैया ने फोल्ड। ये हो चुका है फोल्ड। ये देखिए भैया ने इसकी शेप दे दी है। भाई जी, हमारे पनीर डुंगो जो है वो शेप में लगा दिए भैया ने। अब इसको हम बेक करेंगे। ठीक है, डाल दो भैया। गार्लिक पाउडर और ओरिगैनो। सो भाई, ये इन्होंने गार्लिक पाउडर और ओरिगैनो डाल दिए बटर पेपर के ऊपर। ये लगा दिया इसके ऊपर। काफ़ी हाइजीन तरीके से बना रहे हैं भैया ने। मास्क और कैप वगैरह भी लगाया हुआ है और ग्लव्स भी लगाए हुए हैं। टैग करो अपने उस दोस्त को जिसको चीज़ से बहुत प्यार है। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बटर डाला है भैया। बटर कौन सा है? ये गाय का घी का है बटर। अच्छा, घी है ये? हाँ। भाई ये घी लगाया है इन्होंने इसके ऊपर, क्या बात है यार। कम, बहुत कम लोग लगाते हैं घी। ये डाल दिया इन्होंने बेक होने के लिए। भैया कितना टाइम लगेगा इसमें? 4 मिनट। भाई इसमें 4 मिनट लगेंगे। तो 4 मिनट बाद दिखाते हैं आपको इसके कलर्स कितने बढ़िया आते हैं। सो गाइज, ये देखो हमारा पनीर बिंगो आ चुका है। कलर देखो कितना बढ़िया कलर लग रहा है। सो गाइज, ये देखो फिर से भैया देसी घी लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको टेस्ट करके बता देते हैं इसका टेस्ट कैसा है एक बार। ये मेरा पनीर बिंगो आ चुका है। देखो कलर देखो कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो एक बार दिखा देते हैं आपको इसके अंदर स्टफिंग क्या है। ये देखिए भाई साहब, स्टफिंग देखो कितनी चीज़ है इसके अंदर। ये देखो यार, चीज़ देखो, स्टफिंग देखो। पनीर कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने डाला है। ये मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ इसका टेस्ट कैसा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसके अंदर आई ना, गार्लिक पाउडर जो इन्होंने डाला है सबसे पहले, वो आया। चीज़ इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने डाली, चीज़ ब्लेंड इतने बढ़िया तरीके से, सॉसेज इतने बढ़िया तरीके से डाली है। अच्छे से बेक हुआ है, देखो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने बेक किया है इसको। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा पनीर बिंगो। अगर आप लोग भी आएँ पिज़्ज़ा के लिए, तो हमें कमेंट करके बताना आपको यहाँ का पनीर बिंगो कैसा लगा। आप जाके तो हमारे पेज को फॉलो कर लो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।